सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की सभा में पाकिस्तान ने कश्मीर राग एक बार फिर अलापा तो कांग्रेस सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर ने पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है। बेलग्रेड में अंतर संसदीय संघ की सभा में शशि थरूर ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत का आंतरिक मामला उठाया है और इस मंच का दुरुपयोग किया है। भारतीय डेलीगेशन पाकिस्तान के ऐसे बयान को खारिज करता है और इसकी कड़ी निंदा करता है। थरूर ने कहा कि सीमा पार से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पाकिस्तान सीमा पार से जम्मू कश्मीर में आतंकी घुसपैठ कराता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून का चैंपियन बनने का ढोंग दिखाता है। थरूर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंधित सूची में शामिल अंतर्राष्ट्रीय आतंकियों को पाकिस्तान सरकार पाल रही है। खूंखार वैश्विक आतंकी पाकिस्तान में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद को पालने वाले पाकिस्तान के लिए मानवाधिकार की बात करना शोभनीय नहीं है। इसके साथ ही थरूर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर में इस प्रकार के हालात नहीं है जिनसे पाकिस्तान में कहीं पर भी आम जनजीवन या कामकाज की स्थिति पर कोई फर्क पड़े। केवल स्थितियां बदली हैं तो इस्लामाबाद में और भारत के आंतरिक मामलों पर सीमाओं पर कोई असर नहीं होता है और ना ही हम अपने पड़ोसियों को छेड़ते हैं।